हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े थे, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, तो थ्योरी मैंने जो आपको बताया है कॉमन थ्योरी है कि पहले जैसा क्वेश्चन में रहता है तो पहले वाई में इंटीग्रेट होगा फिर एक्स में होगा। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि हम लोग पहले एक्स में करेंगे फिर वाई में करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसका लिमिट चेंज किया जाएगा, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मैंने पीछे वीडियो में बता दिया था, जो कॉमन है उसको आपको थ्योरी को लिख लेना है। ठीक है, अभी आइए देखते हैं यहाँ पे जो लिमिट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू टू। ठीक है, ये x का लिमिट है डेफिनेटली, और ये किसका है, ये है y का लिमिट। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, x हमारा जीरो से टू ए है और y जीरो से ये है। ठीक है, तो इसको हम पहचानते हैं, इसको भी पहचानते हैं, इसको भी पहचानते हैं। इसको देखिए क्या है, तो 12 में आपको मैंने पढ़ाया है कि ये क्या है, ये है पॉजिटिव सर्किल। ठीक है, इसको आप खोलिए, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, सबको इधर कर देंगे तो ये इक्वल टू जीरो। इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो एक्स्ट्रा है उसको इधर लिख दीजिए ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अभी आपका देखिए ये फॉर्म में आ गया। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि सेंटर क्या है, ए जीरो, और रेडियस क्या है, ए। ठीक है, तो अब सर्किल हमको मिल गया कि ये एक सर्किल है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रेस कीजिएगा, देखिए ये मिलेगा ना, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू जीरो, फिर एक्स इक्वल टू टू ए। तो सेंटर देखिए ए जीरो लेना है सर्किल का, तो ये सेंटर यहां पे होगा, तो रेडियस इसका ए है, तो यहां तक आएगा तो जीरो जीरो पे टच करेगा। ठीक है, ये हो गया, और x इक्वल टू टू ए है, तो ये a है तो ये भी a हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, टू ए जीरो। तो ये लाइन क्या बनेगा, x इक्वल टू टू ए। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, चूंकि सर्किल तो हमको मिल गया बीच में, लेकिन यहां पे क्या है कि स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग हमेशा क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सर्कल लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ जो ऊपर वाला है ये लिया जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और नीचे वाला क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग का जो कह लीजिए कि नेट ग्राफ है, देखिए वो ये मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ओके। तो जो कॉमन पार्ट है इससे 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 घिरा हुआ, तो वो क्या है, वो देखिए यही है। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा इसको हम लोग कलर कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये दिखे कि हाँ यही हम लोग का जो है वो कॉमन रीजन है। ठीक है, देखिए कॉमन रीजन हम लोगों को मिल गया है। अब जब कॉमन रीजन मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें देखिए एक स्ट्रिप ले लीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं, ये स्ट्रिप हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमको देखना है कि एक्स जो है मेरा वो कहां से कहां वेरी करेगा। तो इसका देखिए, एक एंड इस सर्कल पे है और दूसरा एंड भी उसी सर्कल पे है, तो आप सर्किल से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, और देख लीजिए कि इधर का जो वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा, ए से छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा ए है, तो इधर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या होगा, ए से छोटा होगा इधर वाला पोर्शन, और जो इधर वाला पोर्शन है यानी इधर वाला पोर्शन आपका एक्स ए से बड़ा होगा, और इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका एक्स ए से छोटा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है। ओके, तो देखिए, तो अगर आप सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, लिखेंगे हम दिस इंप्लाइज x माइनस ए का मॉड। ठीक है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये ए स्क्वायर इधर है और ये है वाई स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाइए वाई स्क्वायर। ठीक है, और मॉड लगाए हैं इसका मतलब क्या, इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कि x माइनस ए को रहने दिए, इसको उधर ले गए और स्क्वायर हटा दिए तो मॉड लग गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा x का वैल्यू आपका आ जाएगा, एक इधर ले आइए और मॉड हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो हम लोग का जो लोअर लिमिट है, x का जो लिमिट होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो इसको हम देखिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा x का लोअर लिमिट एक्स एल लिख देते हैं। ठीक है, और ये क्या होगा, ये होगा x का अपर लिमिट, तो इसको एक्स यू लिख देते हैं। क्लियर है,
तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो देखिए ये क्या होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फॉर एक्स एल, फॉर लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यानी एक्स एल, ठीक है, क्या होगा, मेरा एक्स क्या होना चाहिए, ए से छोटा होना चाहिए, दिख रहा है यहां पे, तो एक्स, देयर फॉर एक्स एल क्या लेंगे, एक्स एल लेंगे ए से छोटा, यानी ए माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है, ओके। एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट जो होगा एक्स यू, ये क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे हम लोग बड़ा वाला, क्योंकि इधर ए से बड़ा है तो ए प्लस में होगा, तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स का लिमिट मिल गया। अब वाई कहां से कहां वेरी कर रहा है, तो देख लीजिए, तो वाई हम लोग का दिख रहा है कि वाई जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर कहां पे खत्म होगा, ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये वाई का वैल्यू कितना होगा, यहां पे हम लोग पूछेंगे कि यहां पे वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ना वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि रेडियस तो इसका ए ही ना होगा, ये यहां से लेके यहां तक ए होगा, ठीक है, तो ये वाई इक्वल टू ए कहलाएगा, तो इसलिए न्यू लिमिट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ठीक है, देयर फोर हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फोर लिमिट ऑफ वाई हो जाएगा, लिमिट ऑफ वाई इज जीरो टू ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर फोर हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फोर, ठीक है, आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई आपका अब आ जाएगा, तो वाई देखिए हो गया जीरो से ए, और एक्स आपका हो गया, ठीक है, कहां से, लोअर ए माइनस, यहां से अपर ए प्लस, यहां तक, ठीक है, फंक्शन वही रहेगा, तो ये हम लोग का देखिए क्या हो गया आंसर, ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी आसान है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ और भी क्वेश्चन है, हम लोग उसको भी यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कुछ और क्वेश्चन है हम लोगों के पास में उसको भी देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, कौन सा, तो दिया हुआ है हम लोग का जीरो से ए बाय टू है, और एक्स स्क्वायर ए से, एक्स स्क्वायर बाई ए से एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए है, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये है क्वेश्चन, ठीक है, यानी आपका एक्स जीरो से ए बाई टू तक है और वाई जो है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो थ्योरी आपको लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग जो है मतलब कि इसका डायरेक्ट ग्राफ देखते हैं और जो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उसको देखेंगे, ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स आपका वेरी कर रहा है, वेरीज फ्रॉम जीरो टू ए बाई टू, ठीक है, एंड वाई वेरीज फ्रॉम, वाई कैसे कैसे वेरी कर रहा है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए है, ठीक है, टू वाई इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस है हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई ए, ठीक है, ये दो है, इन दोनों से हम लोग देखते हैं कि कौन क्या क्या है, ठीक है, तो पहले तो इसको देखिए ग्राफ पे, इसको अगर देखिएगा तो ये क्या है, ये है आपका पैराबोला, क्या है, पैराबोला, ठीक है, चूंकि ये क्या है, ये आप देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई है, तो ये पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई है, और कहां खुलेगा, ऊपर खुलेगा, ठीक है, और वर्टेक्स इसका क्या है, जीरो जीरो, ठीक है, इसका वर्टेक्स भी जीरो जीरो है, बताया था आप लोग को। अच्छा इसका देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप लिखेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ओके, फिर देखिए ये क्या हो जाएगा, तो यहां से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ए वाई इज इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ठीक है,
तो माइनस को कॉमन लिखेंगे, एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिएगा तो इसमें एक्स स्क्वायर आएगा माइनस ए एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई फोर एक्स्ट्रा है जो कि एक्चुअली माइनस में है, ठीक है। तो यहां पे हम प्लस कर देंगे ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब इस ए स्क्वायर बाई फोर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए वाई माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा इसको हम लोग और अच्छे से अरेंज करते हैं, ठीक है। इधर देखिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, दिस इंप्लाइज, इसको क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए को कॉमन ले लेते हैं, ए को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका वाई माइनस क्या आएगा बोलिए ए बाई फोर, ठीक है। ये आ गया, इधर क्या है, इधर है हम लोग का माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर है, ये है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए तो ये फाइनली क्या हो जा रहा है ना, इसको अगर अच्छे से अरेंज करेंगे तो ये हो जा रहा है एक्स माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस में ए वाई माइनस ए बाई फोर, ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिएगा तो ये इक्विवेलेंट है किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई का है, और k क्या है आपका निगेटिव है, क्योंकि k क्या है माइनस ए है तो ये निगेटिव है, ठीक है। तो पहले तो ये पैराबोला कैसा होगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई और निगेटिव, तो ये नीचे खुलेगा, ठीक है, ओके, क्या होगा ओपन बिलो, ठीक है। और वर्टेक्स क्या है इसका, तो वर्टेक्स देखिएगा तो वर्टेक्स है यहां से a बाई टू मिल रहा है और यहां से हम लोग को a बाई फोर मिल रहा है, ठीक है, ओके। तो पता चल गया हमको सब कुछ ग्राफ का कि इसका वर्टेक्स a बाई टू ए बाई फोर है, ठीक है। अच्छा तो चलिए तो दोनों पैराबोला हम लोगों को मिल गया, एक ऊपर खुल रहा है एक नीचे खुल रहा है, दोनों का वर्टेक्स भी मिल गया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे ये कीजिए कि ग्राफ ट्रेस कीजिए, ठीक है, और काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आइए हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए एक्स एक्सिस ले लीजिए यहाँ पे और फिर इधर ले लीजिए आप वाई एक्सिस, ठीक है। ये हम लोग का एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो एक जो ग्राफ था वो क्या था, वो था एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, ठीक है। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ऊपर खुलेगा वो, देखिए तो वो इस तरीके का होगा, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई का, ठीक है। अच्छा और फिर एक जो ग्राफ है हम लोग का, उसका वर्टेक्स कितना है, उसका वर्टेक्स है ए बाई टू ए बाई फोर, ठीक है। अच्छा ये बात देखने वाला, जब हम लोग ध्यान देंगे कि a बाई टू ए बाई फोर अंदाज से आप यहीं पे लीजिएगा, तो आप देखिए आपका ये पॉइंट यहीं पे आ रहा है, इसलिए कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप देखिएगा तो a बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर, और यहां पे डालिएगा a बाई फोर, तो ये भी क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर बाई फोर, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसी पे पड़ेगा, ओके। तो ये दूसरा कर्व है वो कैसा होगा, और ये देखिए ये ओरिजिन से भी पास करता है, ठीक है, जीरो जीरो डालने से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है ये वर्टेक्स हो गया, तो यहां से देखिए ये इस टाइप से होगा इसका ग्राफ, देखिए ये नीचे वाला पैराबोला होगा, नीचे खुला है, ठीक है, वो ऊपर खुला था। तो ये जो पैराबोला है ये क्या है, ये है आपका ये वाला, ठीक है, मतलब कि इसका ओरिजिनल जो दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए, ये वाला ग्राफ है ये, ठीक है, ओके। तो समझ में आ रहा है आपको, चूंकि इसको देखिएगा ना तो जीरो 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 डालने से इधर भी जीरो इधर भी जीरो, तो ये ओरिजिन से एक तो पास कर रहा है तो ये ध्यान देना है, और दूसरा इसका वर्टेक्स पहला वाला कर्व पर है, ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा तो हम जो हमको जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए तो हम लोग को दिया हुआ था क्या क्या, एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो देखिए ये है, फिर दिया था हम लोगों को एक्स इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यही लाइन जो है वो क्या बनेगा, वो आपका बनेगा x इक्वल टू ए बाई टू, ये जो लाइन है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है x इक्वल टू ए बाई टू, ठीक है, ये भी मिल गया। फिर हमारा था y इक्वल टू ये कर्व, तो ये कर्व नीचे है और ये कर्व ऊपर है, तो हमारा जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो देखिए ये वाला मिल रहा है, डेफिनेटली ये वाला मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें लेना है पैरेलल स्ट्रिप, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, एक पैरेलल स्ट्रिप ले लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा पैरेलल स्ट्रिप, एक्स एक्सिस का पैरेलल ले लिए, ठीक है। इसका देखिए, इसका जो एक एंड है वो इसमें मूव कर रहा है, देख रहे हैं ना, और एक एंड जो है वो आपका इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि एक्स लोअर क्या होगा एक्सएल, और एक्स अपर क्या होगा एक्स यू, ठीक है। तो एक्स लोअर कौन सा कर्व से निकलेगा, ये लाल वाला कर्व से, देख रहे हैं, और एक्स अपर किससे निकलेगा, ये काला वाला कर्व से, ठीक है। पहले लोअर होता है बाद में अपर होता है, हमेशा इधर से इधर क्या होता है बढ़ता है। तो पहले लोअर इधर होगा आपका बायां तरफ, और दायां तरफ आपका अपर होगा, ठीक है। तो भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स जो होगा हमको, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ एक्स, लोअर लिमिट ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एक्स एल इज ऑब्टेंड, ये कहां से मिलेगा, इज ऑब्टेंड फ्रॉम, यहां से मिलेगा, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कहां से मिलेगा, तो देखिए ये हम लोग को मिलेगा, कहिए, ठीक है, यहां से ले लेते हैं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो देखिए इसको सोल्व कीजिए क्या होता है, देखिए तो फ्रॉम x माइनस ए बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए वाई माइनस ए बाई फोर, यहीं से मिलेगा, ठीक है। अब आइए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं ना, यहां से इसको मॉड को हटाइए तो क्या हो जाएगा, x माइनस स्क्वायर को हटाएंगे तो मॉड लग जाएगा, और इधर देखिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं ना, पहले प्लस को लिख रहे हैं तो ए स्क्वायर बाई फोर और माइनस ए वाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इस पर रूट लग जाएगा, ओके। अब देखिए यहां से हम लोग एक्स माइनस ए बाई टू को क्या लिखेंगे, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस, फोर को बाहर कर लीजिए तो वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, तब यहां से हमारा एक्स क्या आ जा रहा है, एक्स आ जाएगा आपका एक तो ए बाई टू प्लस माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, ठीक है। तो अब लोअर क्या होगा, देखिए तो लोअर जो है हम लोग का वो क्या है, a बाई टू से छोटा लेना है, a बाई टू यहां पर है तो इससे छोटा ही है, ठीक है। तो xl जो है हमारा वो क्या है, लेस देन है a बाई टू, तो हम xl क्या लेंगे, हम लेंगे a बाई टू माइनस वन बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि अपर निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ x, अपर लिमिट ऑफ एक्स, यानी क्या, यानी एक्स यू इज ऑब्टेंड, तो ये कहां था, ये काला वाला कर्व में था, और काला वाला कर्व कौन सा है, देखिए ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो ये ऑब्टेंड होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई से, यानी आपका एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आपका आ जाएगा रूट ए वाई, क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हम लोग का ये हो गया एक्स यू, एक्स अपर क्या हो गया रूट ए वाई। अच्छा, अब लोअर लिमिट ऑफ y और x भी देख लेते हैं, तो देखिए y का जो लोअर लिमिट है वो यहां से शुरू होगा, y इक्वल टू ये जीरो कहलाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट देखिए यहां पे आके खत्म हो जाएगा ये टॉप पे, तो ये क्या होगा, तो ये होगा हम लोग का, देखेंगे तो देखिए जब x का वैल्यू a बाई टू है तो अगर डालिएगा तो y का वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा सोल्व करने से ना, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट देख लीजिए, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था a बाई टू और a बाई फोर, ये हम लोग देखे थे वर्टेक्स था इसका, तो x हम लोग का जो है वो a बाई टू है, तो ये y क्या हो जाएगा, ये y a बाई फोर हो जाएगा, ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट, ओके। तो y का जो है कोऑर्डिनेट वो कहां से कहां तक होगा, जीरो से लेके a बाई फोर तक, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एंड y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू जीरो टू y इक्वल टू a बाई फोर, ठीक है। Therefore, क्या लिखेंगे, आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन, आफ्टर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं, ठीक है, देन तो i क्या हो जाएगा, तो पहले तो आपका आपका y हो जाएगा जीरो से a बाई फोर, ठीक है, और x आपका कहां से हो जाएगा, x लोअर, देखिए लोअर ये है, यानी ये होगा a बाई टू माइनस वन बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई, ठीक है, यहां से होगा, और अपर क्या है, अपर है रूट ए वाई, तो ए वाई तक जाएगा, और फंक्शन हम लोग का वही रहेगा, क्या था फंक्शन, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, क्लियर है।
देखिए इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सब कंप्लीट हो रहा है और आसान है, थोड़ा आपको बस प्रैक्टिस करना है, स्केचिंग आना चाहिए, ठीक है, रीजन निकालना है, स्ट्रिप का आपको बस दोनों इंड को पता कर लेना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।